हिमालय पर्वत की गोद में जहाँ इंसान का पहुँचना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है, जहाँ पहाड़ों की चोटियाँ बर्फों की ढाल लिए हुए बरसों से आसमान के सामने सीना ताने खड़ी हैं, इन्हीं पहाड़ों की चौकीदारी में एक खूबसूरत वादी है जो ज़्यादातर कोहरे से ढकी रहती है, मगर इस कोहरे के नीचे लंबी लंबी गर्दन वाले खूबसूरत दरख्त झूम झूम कर सदा अपने बनाने वाले के गुण गाते रहते हैं। इसी कुदरत की जागीर में एक छोटे से पत्थर ने खूबसूरत पानी के झरने को जन्म दिया, जिसने पत्थरों और चट्टानों की दुश्मनी होने पर भी अपने पैर फैला दिए हैं और एक नदी की शक्ल बना ली है। इन थोड़े से लोगों के अलावा जो यहाँ हजारों सालों से रहते हैं, इंसान का गुजर इधर से बहुत कम होता है। बरसों के बाद कोई भूला भटका तिजारती काफिला इधर से आ निकलता है। ऐसे लोगों के लिए कुदरत ने दरख्तों के साए से एक आरामगाह बना रखी है। इस आरामगाह के बिल्कुल सामने एक मीनार है जिसे यहाँ के लोग सच्चाई की मीनार कहते हैं और इस देवी को सच्चाई की देवी मानते हैं। यहाँ के लोगों का विश्वास है कि सिर्फ सच्चे लोग ही इस देवी तक पहुँच सकते हैं। इसी मीनार से थोड़ी दूर पहाड़ की चोटी पर एक महल है जहाँ इस कबीले का सरदार रहता है। इस सरदार के पास दुनिया की हर खुशी थी, मगर इसके घर औलाद न थी, और इसी औलाद को पाने के लिए इसकी औरत हमेशा खैरात करती रहती थी। इसी औलाद को पाने के लिए वो बराबर 10 साल तक भूखी और प्यासी बर्फ के पहाड़ों में फिरती रही, और जहां कोई साधु या फकीर मिल जाता था उसे सिर्फ औलाद के लिए ही दुआ मांगती थी। आखिर कुदरत के रहम ने करवट ली, सूखे हुए पौधों में फूल खिल उठे और इस औरत की जिंदगी में भी उम्मीद की झलक दिखाई देने लगी। इस अचानक बहार के आ जाने की खबर सुनकर सारी दुनिया खुश थी, मगर एक आदमी दुखी भी था, और वो था मैं। मुझे डर था कहीं मेरे घर लड़की पैदा ना हो जाए। लड़की का ख्याल आते ही मुझे अपनी बहन याद आ जाती थी, वो बहन जिसकी याद आते ही मैं डर से कांप उठता था, क्योंकि मेरे हाथ उसके खून से रंगे हुए थे। बा, यहां से कहीं दूर ले चलो, इतनी दूर जहां पहुंचकर हमें कोई जुदा ना कर सके। एक बार फिर सोच लो रूमी, भाग जाने के बाद हम लोग वादी के इस तरफ फिर कभी ना आ सकेंगे। रूमी, तू कहां है? तू कहां है? देखो देखो भैया आ गए, मुझे यहां से ले चलो, मुझे यहां से ले चलो सिंगुबा। रूमी वापस आ, रूमी वापस आ, रूमी, रूमी।
औरत की जान बचाओ बाबू, मुझे औलाद नहीं चाहिए। मगर मुझे औलाद चाहिए, मेरी जान जाती है तो जाने दो, मुझे इस घर के लिए एक चिराग चाहिए। जान है तो जहान है रानी माँ, जब खुद ना रही तो औलाद लेकर क्या करोगी? फिटकार तेरे मुंह पर, लाख बरस जिएगी मेरी रानी माँ। कल का लौंडा क्या जान गया, बैद ही बन बैठा, देखूं तो जरा तेरी शक्ल। बैद तो क्या चिमगानुम होवे है। दाई माँ, तो तुम हमें झूठा समझती हो? झूठा नहीं, चोर समझती हूँ। हजारों बच्चे इन हाथों से पैदा किए, ना कोई जुकाम हुआ ना किसी बच्चे को खांसी हुई। और तू अपनी माँ से तो जाके पूछ कि तुझे किसने पैदा कराया है, जो आज हट्टा गट्टा सांड का सांड खड़ा है। मालिक तुम आराम से बैठो, रानी माँ को कुछ हुआ तो मुझे गोली से दगवा देना। सोजीला, तुम फिक्र मत करो, मालिक पर भरोसा रखो, सब ठीक होगा। जाओ, इत्मीनान रखो। सरदार भैया। आया बहन। तुम मुझे अपनी बहन समझते हो ना? बहन से भी ज्यादा। सरदार, एक तो कंबल और मंगवा दो, सर्दी बहुत है, बर्फ बाहर पड़ रही है। आज पूरे 12 साल हो गए हैं तेरे इस अंधेरे घर में बराबर दिया जलाता चला रहा हूं, मगर तेरे अंधेरे मन तक कभी इसकी रोशनी न पहुंचा सका। क्या यही तेरा इंसाफ है कि पूजा मैं करूं और शादी आने मेरे दुश्मन के घर बजे? ताकत दे देवता, मैं तुझसे और कुछ नहीं चाहता, सिर्फ थोड़ी ताकत चाहता हूं। बस इतनी ताकत कि मैं अपने सीने की आग को किसी के खून से ठंडा कर सकूं। मगर तू क्या देगा, तुझमें खुद ही ताकत कहां है? तू तो पत्थर का बना हुआ है, तेरी जबान पत्थर की है, नहीं तो तू बोलता नहीं। देवता नहीं, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन अपने दुश्मन के घर खुशी के चिराग जलते नहीं देख सकता। दाई माँ, मेरा जी घबराता है। घबराने की कोई बात नहीं, अभी सब ठीक हो जाता है। क्यों नहीं, क्या हुआ? लड़का अगर मरा हुआ? नहीं, मगर मेरी बहन कैसी है? बेहोश है, मगर वो जब होश में आएगी और उसे मालूम होगा कि उसने मरे हुए बच्चे को जन्म दिया, वो भी मर जाएगी। ऐसा कभी नहीं हो सकता, सोजीला उसके कम में अपनी जान दे देगा, ये घर बर्बाद हो जाएगा। दाई माँ, कुछ भी कर, मगर मेरी बहन की जान बचा, मैं तुझको दौलत में तोड़ दूंगा। एक तरकीब है, आज सुबह भूरू कटरिए के घर लड़की पैदा हुई है, ला सको तो जिस कीमत पर भी हो रानी के होश में आने से पहले ले आओ। सरदारों के घर कटरिए की लड़की कैसे आ सकती है? अगर अपनी बहन और दोस्त को जिंदा देखना चाहते हो तो थोड़ी देर के लिए भूल जाओ कि ये सरदारों का घर है। मगर सोजीला, जो अपने खानदान का नाम आते ही घमंड से अपना सर ऊंचा कर लेता है, कभी इस बात को मंजूर करेगा? उसे कभी ना मालूम होगा, ये राज मरते दम तक मेरे और तुम्हारे बीच में रहेगा। खैर, मैं बच जाती हूं।
क्या दाई माँ, इसकी छाती पे ये नीला निशान कैसा है? पैदाइशी है, जल्दी जाओ सरदार, रानी होश में आ जाएगी तो तुम्हारी सब कोशिश बेकार हो जाएगी। जाओ। ये ले, किसी को खबर होने से पहले इसको कहीं ठिकाने लगा दे। याद रहे, ये रात मरते दम तक खुलने ना पाए। प्यारी बच्ची है, जैसे कोई देवी का अवतार। लो मेरी बच्ची, मेरी जिंदगी, ओ, 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 मेरी बच्ची। देवता, तूने मेरी पुकार आखिर सुन ली? जियो जियो हे राज दुलारी बिटियारी तोहे
मेरी उम्र लग जाए। जियो जियो धूम धाम तुम तुम धूम धाम तुम तुम धूम धाम नाचो गाओ नाचो गाओ नाचो गाओ मिलजुल कर तुम तुम धाम तुम तुम धूम धाम तुम तुम धूम धाम नाचो गाओ नाचो गाओ नाचो गाओ मिलजुल कर तुम धूम धाम। हंस के लहके खिल के महके तेरे जीवन डाले पाकर मैंने सारे जग की दौलत पाली पाली रे पाली जग की दौलत पाली। ओ, ओ, राम करे रखवाली हो कभी तुझ पे आँच ना आए। जियो 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 हे राज दुलारी बिटियारी तोहे मेरी उम्र लग जाए। जियो जियो धूम धाम तुम तुम धूम धाम तुम तुम धूम धाम नाचो गाओ नाचो गाओ नाचो गाओ आँख मिचोली खेल रहे हैं सपने प्यारे प्यारे सपने प्यारे प्यारे आज गले से लग जा लग जा आज गले से लग जा प्यासी ममता तुझे पुकारे प्यासी ममता तुझे पुकारे प्यासी ममता तुझे पुकारे। राका राका राम करे रखवाली हो कभी तुझ पे आँच ना आए। जियो 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 हे राज दुलारी बिटियारी तोहे मेरी उम्र लग जाए मेरी उम्र लग जाए मेरी उम्र लग जाए। ये क्या बात है बाबा मैं जब कभी उधर जाना चाहता हूँ तुम मुझे रोक लेते हो। कह जो दिया लोग वादी के पार नहीं जा सकते। मगर क्यों? ये तो अभी मैं समझेगा बड़ा हो जाएगा बता देंगे। तो तुम ऐसा नाच गाना अपने घर क्यों नहीं कराते बाबा? क्या हमारा दिल खेलने को नहीं जाता? कराएंगे बेटा कराएंगे मगर अभी थोड़ी देर है। जब तू जवान हो जाएगा तो ये नाच गाना सिर्फ इधर ही हुआ करेगा उधर हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। तो मैं जवान कब हो जाऊंगा बाबा? हो जाएगा बेटा जल्द हो जाएगा दो चार दिन में। सो जा सो जा। आसमानी भाव कर दे सपना सा आसमानी भाव कर दे सपना सा। ये क्या कह रहे हो बाबू सुबह सुबह? अरे ठीक ही तो कह रहा हूँ प्यारे ऐसी दवा की है तैयार गोली अंदर दम बाहर। ऐसी दवा देके लोगों को मरवाओगे वही जी महाराज? बेटा ये काया पलट है काया पलट बूढ़ा खाए तो जवान हो जाए जवान खाए तो पहलवान हो जाए और पहलवान के तो पहलवान खाए तो हनुमान हो जाए। जाओ 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 चलते फिरते नजर आओ चलते फिरते नजर आओ। मेरी तो दवाई देते जाओ भाई जी। दवा तो तुम रोज ही लेते हो बेटा किसी दिन दुआ ही लेके चले जाया करो। आज तो सुबह सुबह यहाँ क्या कुआं प्यासे के पास खुद चला आया। अरे कहीं मैं ख्वाब तो नहीं देख रहा हूँ ले जरा काट तो। मैं तुम्हारे पास थोड़े ही आई हूँ मैं माँ के कपड़े लेकर महल में जा रही थी सोचा इधर से ही होती चलूं। क्या खूब सोचा है। अरे ऐसा रोज ही सोच लिया कर जालिम। देख, देख, मेरा दिल ढोल की तरह बजने लग गया। ला, ला अपना हाथ। अच्छी। अरे मर्दू। अरे पूरू ने तो झूठ पहन रखी है। क्यों नहीं? राजा वो झूठ राजा नहीं गधे पहना करते हैं। हाँ हाँ गधे पहना गधे। क्या कहा? तो क्या मैं गधा हूँ? नहीं नहीं तू गधा नहीं मगर अब चल गधे। माँ हम ये तस्वीर देख ले अब तो बाबा भी आने हैं। सिमसी हमने तुझे कितनी दफा मना किया कि तस्वीर को मत छेड़ा कर
मगर बाबा हम तो बड़ों से जबान नहीं लड़ाया करते। जाओ बेटा, घोड़े तैयार हैं, सैर को जाओ। ये तस्वीर नहीं देखा करते। ठहरो, जो नसीहत हमने तुझे की थी वो याद है? हाँ। क्या भला? मैं तीन तरफ जहाँ जी चाहे जा सकती हूँ, मगर वादे की तरफ कदम ना रखूंगी। जाओ, लेकिन ये याद रहे। उल्लू, उल्लू, तू तो ज़ाज़ा सी बात का बुरा मान जाता है। अच्छा, तू गधा नहीं है, मगर एक बात बता। क्या? ये बाबा हमें वादे की तरफ जाने से क्यों रोकते हैं? आ, जरा चल के देखे तो सही उधर क्या है। ऐसी बात कहेगी तो मैं घर जाके कह दूंगा। मैं तो यूं ही कह रही थी, जा थोड़ी रही हूँ। ठीक तो हो ना? ए, तूने से क्यों निकाला? इसे तो मैं बचाने वाला था। अबे चल बे, रोती सूरत, बड़ा आया बचाने वाला, खड़े खड़े तमाशा तो देख रहा था। आओ आओ सुनसी। बात करता है उल्लू का बच्चा। रास्ता भी नहीं जानती, तुम छोड़ाओ ना। नहीं नहीं, हम वादी के पार नहीं जा सकते, हमारे बाबा मना करते हैं। मगर वहाँ तुम्हें क्या डर है? वहाँ तो मेरा राज है। अच्छा? हाँ, तुम छोड़ाओ ना, तुम कितने अच्छे हो। आओ ना। आओ, आ गया, खड़े क्यों हो गए? माँ, 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 क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? माँ, देखो तो कौन आया है। माँ, ये राका बू है, इसने आज मेरी जान बचाई, वरना मैं मर जाती। और देखो ना, उल्लू ने बेचारे को पत्थर मारा। माँ, माँ, आ गया हो बच्चे, वहां क्यों खड़े हो? ये भी तो तुम्हारा ही घर है। और आगे आओ। अरे, तुम्हारे तो खून बह रहा है। धाई माँ, धाई माँ। क्या है रानी माँ? देखो तो कितनी गहरी चोट आई है, जरा वो जख्मों वाली दवाई तो ला। अभी लाई। अरे देखो, तुम्हारा तो कपड़ा।
कितने भी खराब हो गए। ये क्या, क्या ये भी चोट लगी है? नहीं, ये तो मेरा पैदाइशी निशान है। किसके लगी है चोट? देखना दाइमा, उन्होंने बेचारे को पत्थर मारा। ला ये दवाई मुझे दे और इसके ये गंदे कपड़े उतारकर सिमसी का कोई नया कुर्ता पहना दे। उल्लू भैया जी, पागल जैसा लड़का है, भला उसे क्या जरूरत थी किसी को पत्थर मारने की? मैं किसी दूसरे के कपड़े नहीं पहनूंगा, मेरे जैसे हैं वैसे ही रहने दो। बड़ा जिद्दी है। मगर प्यारा बच्चा है, किसका बेटा है तू? माँ माँ, लो इसे मिठाई तो खिलाओ, पहली दफा घर आया है बेचारा। कौन है ये? राकाबू, इसने आज मेरी जान बचाई है बाबा। जान बचाने की बच्ची, तू वादी की तरफ क्यों गई? मार डालो उसे, जान से ही क्यों नहीं मार डालते? तुम मर्द होकर एक लड़की पर हाथ उठाते हो? बदतमीज, तेरी मजाल कैसे इधर आने की? क्या नाम है तेरे बाप का? सिंगोबा। क्या करता हूँ, इस गरीब ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? इसने तुम्हारी बच्ची की जान बचाते उसे घर तक पहुँचाया है। तुम हट जाओ। क्या आज के बाद वादी किस तरह खत्म मत रखना। क्या हुआ, क्या हुआ? तू इधर चल। क्या बात है जोजीला? मारुला, तू मेरे दोस्त हो ना? दोस्त? हम तुम वो दोस्त हैं जिन्होंने एक ही प्याले में दूध पिया है। दोस्त, मैं जिंदगी में पहली बार तुमसे एक भीख मांगता हूँ, दोगे? अगर जान मांगोगे तो वो भी हंसते हुए दूंगा। तो बस इतना कह दो, उलूरा मेरा है, मैं सिमसी का हाथ उसके हाथ में देना चाहता हूँ। चुप क्यों हो गए सरदार? सिमसी तो सरदारों के सरदार जोजीला की बेटी है। नहीं नहीं, मैं तो ये सोच रहा था कि इनकी शादी कितनी धूमधाम से की जाए, क्योंकि मेरे दोस्त ने पहली ही दफा तो मुझसे कुछ मांगा है। मारुला, ये ले, कर ले हमारे माल पे ऐश। जालिम, पूरे 5 रोज हो गए तेरे दर्शन नहीं हुए। जमीन के नीचे, आसमान के ऊपर, सब जगह ढूंढ लिया मगर तेरा पता नहीं पाया। पता कहाँ से पाते, टोकरी जो लग गई है। एक दफा रानी बिटिया वादी की तरफ क्या चली गई, बस माँ की छुट्टी हो गई। देख, मैं तेरे फिराक में मर रहा हूँ, यहीं मर रहा हूँ। अरे रे रे, ये क्या करते हो? जो ऊपर वाले की मर्जी। नहीं 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 नहीं, ऐसा मत करो, मैं आऊंगी। नहीं, तू नहीं आएगी। हाँ हाँ, मैं आऊंगी, मगर कब? रानी बिटिया के सो जाने की बात, मगर अब तुम जाओ, बाहर ठहरो। मगर जाऊं कैसे, नीचे मामा जो बैठा है। तू प्यार से समझा बुझा लेना, तुम्हारे रिश्तेदार ही तो हैं। अरे हमारे रिश्तेदार हैं? कुहू, तो क्या हम कुत्ते हैं? कुहू कुहू, आई दीदी। अब तुम सो जाओ रानी, काफी रात बीत चुकी है। मगर आज तो नींद नहीं आती, कोई कहानी सुना ना। शनिचर के दिन कहानी नहीं सुना करते, मामा रास्ता भूल जाते हैं। मगर आज शनिचर कहाँ है, आज तो बुध है। आज तो बुध है, मगर तुम सो जाओ ना। आओ, आओ। आया, मगर जरा प्यार से भैया, अब तू और हम तो दोनों रिश्तेदार हैं ना मेरे यार। मामा। जाता कहाँ हूँ मामा, मैं तो तुम्हारे पास ही खड़ा हूँ, और जब तक तुम हुक्म ना दो जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अरे छोड़ 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 छोड़, अरे छोड़ मेरे भाई, तुझे और कोई नहीं मिला क्या मेरे सिवा? अरे छोड़ ना तेरा सत्यानाश, छोड़।
देवता के कदम छूकर मैंने कसम खाई थी कि जब तक अपने दुश्मन के खून से इसका प्याला न भर दूंगा अपना लहू इसे देता रहूंगा। हमारा दुश्मन कौन है बाबा, मुझे बताओ ना, मैं उसका खून लाऊंगा। अभी देर है राका, अभी देर है। तुम हमेशा यही कहकर टाल दिया करते हो बाबा, क्या मैं बहादुर नहीं हूँ? बहादुर तो है मगर अभी देर है। आओ देवता से दुआ मांगो कि वो तुम्हें जल्दी जवान कर दे। आओ। देवता, मुझे जल्दी जवान कर दे और ताकत दे कि मैं अपने दुश्मन के खून से तेरा प्याला भर सकूं। देवता तुमसे खुश है बेटा, अपना सर झुका दे, सर झुका दे। आई है तू यहाँ अपने रूठे को मनाने, बातें मत जानती है। राका, एक और मारू राका। Thank you.
किया राका, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो राका। माफी चाहती है? अच्छा तो ले, दो चांटे मार मेरे गाल पर। मार के क्यों नहीं राका? ये हाथ तुम्हारे गालों तक नहीं, गले तक रहने चाहते हैं। बाहें हटा लो सिमसी, वरना वो उल्लू तुम्हारे बाप से फिर जाके कह देगा। उल्लू तो उड़ गया। उड़ गया? कहाँ उड़ गया? वो अपने बाबा के साथ घर चला गया। घबराती क्यों? फिर आ जाएगा। ऐसी बातें मुंह से नहीं निकाला करते। ये क्या? जग जो। अच्छा? चलो, तुम भी खाओ। अब मैं रोज खिलाया करूंगी। रोज? हाथ दो। शर्म नहीं आती? राका, राका, राका छोड़ दो मुझे। देखो, देखो मेरे पेट में पानी भर जाएगा। राका, राका छोड़ दो मुझे। राका, देखो मैं डूब जाऊंगी। राका, राका। अरे बाबा, क्या हुआ, क्या हुआ? हुआ तुम्हारा सर, सब कपड़े भिगो दिए। अब मैं घर कैसे जाऊंगी? हाँ, मैं भी सोच रहा हूँ, अब तुम घर कैसे जाओगी? सिमसी, ओ सिमसी, कितनी देर लगा दी लकड़ी लाना? ये क्या कपड़े पहना रखे? तीन दफा गिर चुकी हूँ, अब मैं नहीं पहनूंगी। अरे 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 अरे, क्या कपड़े हुए तो क्या हुए, मैं नहीं पहनूंगी। अच्छा, अरे अरे, ये क्या करते? ये मेरे कपड़े हैं। तुम्हारे कपड़े तो मैं इनको फेंकूंगा। मुझे तुम्हारी सूरत से नफरत है। नफरत? हाँ, नफरत, नफरत, नफरत। झूठ बोलोगी तो बस समझ जाओगी। जानती हो किसके सामने बोल रही हो? तुम्हारे सामने बोल रही हूँ, और किसके सामने? क्या मैं डरती हूँ? डरती तो नहीं हो, मगर तुम सच्चाई की देवी के सामने कह रही हो। देवी के सामने? तो क्या हुआ, देवी सही? तो फिर इस खंभे पे चढ़ के बताओ। इस खंभे पे? हाँ हाँ, अगर तुम सच्ची हो तो देवी तक पहुँच जाओगी, और झूठी हो तो गिर के मर जाओगी। अरे बाप रे, इस खंभे पे कोई चढ़ सकता है? चढ़ क्यों नहीं सकता, हम चढ़ के बताते हैं। ए, कुछ झूठ सच तो कैसे जाओ? कह दो। कह दो? कह दो। कह दो। तुमको हमसे नफरत है ना? हमको तुमसे नफरत है। और हमको तुमसे मोहब्बत है। बोल रही थी।
क्या भारियां खिलाती है जालिम, किसी दिन जहर क्यों नहीं खिला देती। तुम मर जाओगे तो मेरा क्या होगा? जियो प्रभु जियो, बस तेरी इन्हीं अदाओं ने तो मार डाला है। मरने की बात ना करो, देखो मेरा दिल बैठा जा रहा है। देखते देखते सारी दुनिया बदल गई। देख मैं तो गंजा भी हो गया, मगर तेरी सूरत में कोई फर्क नहीं आया। तू तो सदा बहार है, सदा बहार। कहीं नजर ना लग जाए। जुल्फें तो आगे को कर ले। हाथ मत लगाना, हाथ मत लगाना। 22 साल से 22 साल और 6 महीने से। हाँ हाँ 22 साल 6 महीने से बराबर कहती आ रही हूँ, हाथ मत लगाना, हाथ मत लगाना। मगर तुम हो कि मानते ही नहीं। लो भाई सुन लिया तुमने? अरे जालिम कभी तो बंदरिया की तरह उछल के मेरे कंधे पे आ जा। तुम तो यूं ही भौंकते रहोगे। लो मैं चली चली। देख लो देख लो, हाथ नहीं लगाया है, हाथ नहीं लगाया है, कपड़ा पकड़ रखा है कपड़ा। मगर एक बात तो सुनती जा। अच्छा बको लो, छींक पड़ गई। अब मैं चली। अरे लंगड़ू मौत भी एक दफा ठक्कर पीछा छोड़ देती है, मगर तू मत चूकना प्यारे। लकड़ियां लेने आया था जलाने के लिए, सर्दी जो हो गई है। मेरा कहा मान तो ये लकड़ियां अपने ऊपर चुन के फलीता लगा ले, तेरी सर्दी भाग जाएगी और मेरा पीछा छूट जाए। 22 बरस से कह रहा हूँ। 22 बरस और 6 महीने से। 22 बरस 6 महीने से कह रहा हूँ, सर्दी हो गई है, सर्दी हो गई है, मगर तुम सुनते ही कहाँ हो। अच्छा बेटा आज तुझे दवाई दिए देता हूँ, तू भी क्या याद करेगा कि हवाबू ने इलाज तक नहीं किया। ले। अच्छा 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 अच्छा, ये क्या कर दिया बैद जी, क्या मिर्चें जोग दी। जाओ ऊपर वाले की मर्जी। राका देखो ना सुबह हो रही है। जाओ मगर अकेली। अकेली नहीं तो क्या तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगी? मुझे तो नहीं, मगर जब तुम जाओ तो ये जमीन, ये चांद, ये तारे सब तुम्हारे साथ चले। तेरे साथ चल रहे हैं ये जमीन ये चांद तारे, ये जमीन ये चांद तारे तेरी इस नजर पे वारे। तेरे साथ चल रहे हैं ये जमीन ये चांद तारे, ये जमीन चांद तारे तेरी एक नजर पे वारे। मेरे लब पे आते आते कोई बात रह गई है। मैं चली हूँ मेरी दुनिया तेरे साथ रह गई है। मेरे लब पे आते आते कोई बात रह गई है। मैं बसी हूँ तेरे दिल में मुझे किसने पुकारे। तेरे साथ चल रहे हैं ये जमीन ये चांद तारे, ये जमीन ये चांद तारे तेरी एक नजर पे वारे। मेरी आरज़ू भी तू है।
साथ चल रहे हैं ये जमीन ये चांद तारे, ये जमीन ये चांद तारे तेरी एक नजर पे वारे, तेरे साथ चल रहे हैं ये जमीन ये चांद तारे, ये जमीन ये चांद तारे तेरी एक नजर पे वारे। जो तकलीफ रही है हमें रात भर अब नहीं होगी, मगर आहिस्ता बोलो ना। अच्छा आहिस्ता बोलती हूँ, अब बता कहाँ रही रात भर? क्या बताऊं बीबी, आजकल मैं अजीब मुसीबत में फंसी हूँ। बिस्तर पे लेटते ही मुझे ऐसा मालूम होता है जैसे कोई कबूतर मार मुझे इशारे से अपने पास बुला रहा हो, और मैं आंखें बंद किए उसके साथ साथ चली जाती हूँ। कहाँ चली जाती है? बस कुछ ना पूछो, आँख खुलते ही मैं अपने आप को स्वर्ग में पाती हूँ। स्वर्ग में? अच्छा मैं समझ गई, समझ गई। लो जी ये भी समझ गई। हाँ हाँ समझ गई, मगर अब स्वर्ग जाकर तो जरा जल्दी वापस आया कर। हाय मैं अब कमबख्त जाने ही क्यों लगी, मैं सरकार की खिदमत ना करूंगी। हाय अरे ये क्या, तुम्हारे तो कपड़े गीले हैं और पांव पे भी मिट्टी लगी है। आहिस्ता बोलने का बहुत आहिस्ता क्या बोकार, मैं तो रात दूसरे कपड़े फिरा कर। अच्छा जोर से बोल, और जोर से जोर से नहीं बोलूं तो और क्या। तू तो सोए सोए स्वर्ग की सैर करके आ सकती है और हमारे कपड़े भी नहीं बदल सकती। ठीक तो है, बदल सकते हैं बदल सकते हैं, मगर ये भीग कैसे गए? जरा आहिस्ता बोलो ना बाबा, मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ। कहाँ गई थी? सच सच बताओ। बिल्कुल सच, वही स्वर्ग में। स्वर्ग में? तो तुम भी स्वर्ग में जाती हो? रोज जाती हो? रोज? मगर कब से? जब से वो बैद का बच्चा पेड़ पे चढ़ के तुझे बुलाने आया था और तू भुदकती हुई चली गई थी। वो इतिया Mitwa, oh Mitwa, Mitwa, oh Mitwa, क्या हम तुझे नहीं बोलते शमसी? क्यों? कितनी देर इंतजार कराया तूने? तू जानती है सिमसी, जब तू देर से आती है तो मेरा दिल धड़कने लगता है। अच्छा जी, जरा देखूं तो। अरे ये तो उछल रहा है। अरे दिल इधर नहीं इधर होता है। ओ जानती है किसके लिए? जानती हूँ, मेरे लिए। अब तो इन धड़कनों को कम कर। मैं क्यों करूं सिमसी, तुझे तड़पाने में बड़ा मजा आता है। और तुम्हें तड़पने में नहीं आता राका, तुम्हें मोहब्बत ही नहीं। तू बड़ी जालिम है सिमसी, जी चाहता है ये खंजर तेरे सीने के पार कर दूं। मार डालो, तुम्हारी धड़कनें तो कम हो जाएंगी, ये इंतजार तो खत्म हो जाएगा। ये क्या रखा, किसी की शादी हो रही है क्या? किसी खुशनसीब के इंतजार की घड़ियां खत्म हो रही हैं।
सिमसी, तू भी शादी करेगी? किससे? मुझसे। बुरा मान गए राका, ये जमीन, ये चांद सितारे सब इस बात के गवाह हैं कि मैं तुमसे शादी करूंगी, सिर्फ तुमसे। किसी गरीब की मोहब्बत का मजाक नहीं उड़ाया करते सिमसी, जा घर जा, देर हो रही है। तुम्हें मेरा एतबार नहीं आता तो मैं कल ही दुल्हन बनकर आऊंगी, चांद के साए में हमेशा के लिए तुम्हारी बन जाए। प्यार भरी, प्यार भरी धड़कनों के हार लेके आऊंगी तेरे लिए आज रात को। प्यार भरी, प्यार भरी धड़कनों के हार लेके आऊंगी तेरे लिए आज रात को। कहना दिल बेकरार से बाहर ना हो इख्तियार से, कहना दिल बेकरार से बाहर ना हो इख्तियार से, चैन लेके करार लेके आऊंगी तेरे लिए आज रात को। प्यार भरी धड़कनों के हार लेके आऊंगी तेरे लिए आज रात को। मस्ती के बाहों में झूल के आऊंगी दुनिया को भूल के, मस्ती के बाहों में झूल के आऊंगी दुनिया को भूल के, रंग लेके आऊंगी निखार लेके आऊंगी तेरे लिए आज रात को। प्यार भरी धड़कनों के हार लेके आऊंगी तेरे लिए आज रात को। झपके ना इंतजार की, टूटे ना दिल के तार की, झपके ना इंतजार की, टूटे ना दिल के तार की, जिंदगी का सोलवा सिंगार लेके आऊंगी तेरे लिए आज रात को। प्यार भरी धड़कनों के हार लेके आऊंगी तेरे लिए आज रात को। सिमसी, ये गाना कहां से सीखा? कौन है वो जिसके लिए तू वादी में जाती है? कौन है वो? जवाब दे वरना तुम निकाल देंगे। मार डालो उसे, जान से क्यों नहीं मार डालती? जवाब दे वो कौन है और मैं जान से मार डालूंगा। तभी निकालना है तो इससे पहले मेरा निकाल दो, ताकि मैं अपनी आंखों से इसका तड़पना तो न देखूं। तुम हट जाओ, जा मेरे सामने से। नहीं मालिक, जिंदगी भर की दुआओं के बाद ये खिलौना पाया है, इसे क्यों तोड़ना चाहते हैं? अगर गुस्सा ही है तो अपनी तलवार मेरी गर्दन पर चला दो, लो मैं तुम्हारे कदमों में पड़ी हूँ। सिमसी, तू हमेशा इस तस्वीर को देखना चाहती थी, मगर हम तुझे रोकते रहे सिर्फ इसलिए कि इसका साया तुझ पर ना पड़े।
लेकिन आज हम इस तस्वीर को तुझे खुद दिखाते हैं। देख और गौर से कितनी खूबसूरत है, और ये तस्वीर है मेरी बहन की, उस बहन की जिसे मैं अपनी जान से ज्यादा चाहता था। वो भी वादी की तरफ गई थी और आज एक तस्वीर की शक्ल बनकर यहां लड़की हुई है। नहीं, नहीं। मेरी बच्ची वादी की तरफ कभी नहीं जाएगी, कभी नहीं जाएगी। अगर जाएगी तो याद रख, ये तस्वीर हटाकर तेरी तस्वीर लगा दूंगा। ये अब कहीं नहीं जाएगी, मैं वादा करती हूँ, ये अब कहीं नहीं जाएगी। क्या करते हो बेटी, क्यों सबकी दवाई बुलाती हो? मालिक अभी जाग रहे हैं। मुझ बदनसीब पर रहम खाकर रुक जाओ बीबी, आज मत जाओ। देखो देखो वो सामने ही खड़े। मुझे जाना ही पड़ेगा कुहू, तू नहीं जानती, मुझे जाना ही पड़ेगा। तू यहाँ क्या कर रही है? कुछ नहीं, यूं ही। जाओ। कैसे पहुंचाऊं बीबी, तुम तो जानती हो चारों तरफ ताले डाल दिए गए हैं। हाँ, एक तरकीब है, जल्दी बता मेरी अच्छे को, कहीं देर ना हो जाए। अपने बाग में जो पानी का झरना है ना, मगर नहीं, उस पर चलना बिल्कुल नामुमकिन है। क्यों नामुमकिन है? मैं उस पर चढ़ जाऊंगी, लेकिन कैसे? सुनते हैं, पहले भी लोगों ने कोशिश की मगर सब नाकाम रहे और गिरकर मर गए। नहीं बीबी नहीं, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। मगर मैं जाऊंगी गुरु। अगर मेरी मोहब्बत सच्ची है तो मैं वहां तक पहुंच जाऊंगी।
मेरी बच्ची को क्या हुआ? क्या हुआ मेरी बच्ची को? बोलते क्यों नहीं? क्या हुआ मेरी बच्ची को? रानी मार्जिन, क्या हुआ मेरी बिटिया को? उसे क्या हुआ? वादी की तरफ जा रही? नहीं, नींद में चल रही थी, ठोकर खा करके गई। देख तो बेटा मैं कौन हूँ। दाई माँ, तेरी दाई माँ। डूबे डूबे आकाश के तारे जाके न तुम आए, तकते तकते नैना हारे जाके न तुम आए, डूबे आकाश तारे। बागों से बहारें रूठ गईं, बागों से बहारें फैल गए पतझड़ के साए, लेकिन तुमको अपने वादे, लेकिन तुमको अपने वादे भूल से भी याद न आए। डूबे डूबे आकाश तारे, बहते बहते चांद की कश्ती दूर गगन में खोने लगी, आस की एक नन्ही सी किरण की, आस की एक नन्ही सी किरण की वो भी ओझल होने लगी। डूबे डूबे आकाश के तारे जाके न तुम आए, तकते तकते नैना हारे जाके न तुम आए, डूबे आकाश के तारे। बच्ची को क्या हो गया है? ये बोलती क्यों नहीं? मेरी बच्ची, देख तो कौन आया, तेरा बचपन का साथी बुलूरा। रानी मालकिन, बिटिया पर जरूर कोई भूत प्रेत का साया है। मैं सोचती हूँ इसे देवता के मंदिर में ले चले। ये क्या करते हो? इन बूढ़ी रगों में खून की आखिरी बूंदें हैं बेटा, जो अपने देवता को भेंट दे रहा हूँ। तुम अभी इस खून में सने हुए खंजर की कसम खाकर कहता हूँ कि जब तक अपने दुश्मन से बदला ना ले लूं चैन नहीं लूंगा। शाबाश शाबाश बेटा। मुझे जल्दी बताओ बाबा, मुझे जल्दी बताओ वो जालिम कौन है? मेरा खून खौल रहा है। बताता हूँ वो दहकते हुए अंगारे,
जो 32 साल से अपने सीने में छिपाए फिर रहा था, आज तेरे कलेजे में रख देता हूँ। आ मेरे साथ। देखो वो, देखो दूर उस पहाड़ी पर वो महल देखते हो, बस वहीं वहीं हमारा दुश्मन दो जिला रहता है। राका, मैं चाहता हूं तुम्हारे खंजर से बहाए हुए लहू के छींटे उस महल में इतनी दूर दूर तक उड़े कि उसकी दीवारों से कभी धुल न सके। है? ये क्या तू घबरा रहा है? शायद सोचता होगा ये चोटी पहाड़ से कैसे टकराएगी, गरीबी अमीर पर कैसे वार कर सकेगी। मगर तू भूलता है तेरी रगों में उस बाप का खून है जो आज तक तकदीर से भी लड़ता चला आ रहा है। ला ये खंजर मुझे दे, मेरी टांगों में ताकत नहीं, फिर भी बस बाबा बस। और कुछ न कहो बाबा, और कुछ न कहो बाबा, कि मैं अपने इस दुश्मन का सर तुम्हारे कदमों में लाके रखता हूं। उठ उठ मेरे बच्चे, आसमानी बाप तेरे साथ है, वो तेरी मदद करेगा। यहां से बच के जाने पाए।
जानते नहीं, अगर ढूंढ पाएंगे तो वो तुम्हें मार डालेंगे। भाग जाओ। देखो कोई आ रहा है, चुप जाओ। ले हो। आज इस लड़के ने बड़ी हिम्मत की, अकेला मंदिर में चला आया। हाँ यार, अच्छा तो फिर मैं पानी पी लूँ। अच्छा तो पानी पिया, मैं इधर बैठता हूँ। मगर यार, इश्क भी बड़ी जालिम चीज है। जब मैं इश्क किया करता था तो मेरी औरत 5 जूते मारा करती थी और आज तक मारती है। चल हटा दे, मुझे बैठने दे। अरे तो बैठना कितनी जगह पड़ी है। तू है तेरे जन्म से, अबे औरतों से मार खाता है। जब मैं इश्क करता था तू क्यों मारा मुझे? तू मेरे को क्यों मारा? तू क्यों मारा? तू क्यों मारा? तू बात बात में क्यों आता है? तू क्यों मारा? तू क्यों मारा? क्यों मारा? तू बात बात में क्यों आता है? तू क्यों मारा? तू क्यों मारा? राका, राका तुम आ गए। मैं जानती थी तुम आओगे, तुम जरूर आओगे राका। तुम यहाँ क्यों आए? जानते नहीं, तुम्हारी जान यहाँ खतरे में। चाहने वाले मौत से नहीं डरा करते। राका, तुम्हें मेरी मोहब्बत का वास्ता, तुम यहाँ से चले जाओ। तुम चले जाओ राका, न जाने मेरा दिल क्यों घबरा रहा है, जैसे हमें कोई देख रहा हो। तुम जाओ ना राका। तुम्हें याद है शमसी, बचपन में एक राका बात... राका तुम जाओ ना, देखो मेरी बाई आंख फड़क रही है। तुम्हें मेरी जान की कसम, तुम चले जाओ। कसम देने की कोई जरूरत नहीं समझी, अगर ये तुम्हारा हुक्म है तो मैं चला जाता हूँ। अच्छा, कल फिर मिलेंगे। नहीं नहीं राका, अब तुम ना आना, मैं खुद आऊंगी। मैं वादा करती हूँ, मैं जरूर आऊंगी। जाओ। अच्छा ठहरो, अब जाओ। कौन है तू? ये वही वादी वाला बदमाश जो एक दफा बचपन में भी यहाँ आया था। तू क्या करने आया तू यहाँ? इसे पैर से बांध कर से चमेल उतार दो। छोड़ दो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ दो मुझे। बांध दो उसको। नहीं, उसे कुछ मत कहो, उसे कुछ मत कहो। क्यों नहीं, क्यों आया था? कौन? उलूरा, लोहे की सलाखें गर्म करके उसकी आंखें फोड़ डालो ताकि यह आइंदा घर का रास्ता रह सके। नहीं मेरे मालिक, इतने जालिम ना बनो, बाप का दिल पैदा करो। तुम्हारे भी तो औलाद है, अगर तुम्हारी बच्ची को कोई इस तरह मारे तो तुम पर क्या गुजरे? इसे माफ कर दो, इसे माफ कर दो। माइलो, इसके हाथ खोलो।
हुआ दाइमा? क्या हुआ? कुछ नहीं, कुछ नहीं। राको, 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 राको। तुम कौन हो? कौन हो तुम? भूल गए? बहुत बरसों के बाद देखा है ना? मैं हूं दाई माँ। दाई माँ? यहां क्या करने आई है तू? घबराने की कोई बात नहीं, मैं तुमसे जबरदस्ती छीनने नहीं आई, सिर्फ मालूम करने आई हूं कि ये लड़का जो तुम्हें अपना बाप कहता है सचमुच तुम्हारा कौन है। तू कौन होती है हमसे इस तरह का सवाल करने वाली? तुझे मालूम होना चाहिए कि तुम्हारे तरफ का कोई आदमी मेरी हद में नहीं आ सकता। मुझे मालूम है, इसीलिए बताने आई हूँ कि हमारे तरफ का और भी एक आदमी तुम्हारे हद में आए। सिंगोबा, तुमने 20-22 साल पहले एक तूफानी रात में राका को इसी वादी में पड़े हुए पाया है। ये सब झूठ है, बिल्कुल झूठ। तेरे पास इसका क्या सबूत है? उसकी छाती पर नीला निशान। मैं और तुम दोनों अच्छी तरह जानते हैं कि वो निशान पैदाइशी है। नहीं, तू बकती है। राका मेरा बेटा है, राका मेरा बेटा है। अगर मेरा नहीं तो किसका है? सुनकर घबरा न जाना, डर से कांप न उठना। राका तुम्हारा नहीं, तुम्हारे दुश्मन जोजीला का बेटा। चली जा, चली जा, इससे पहले कि मैं तेरा सर धड़ से जुदा कर दूं और तू हमेशा के लिए खामोश हो जाए। यहां से चली जा। राका जोजिला की औलाद नहीं, मेरा बेटा है, मेरा बेटा है। अब तुम्हारा ही है, मगर जब रानी मालकिन ने मरे हुए बच्चे को जन्म दिया था तो यही डर था कि उस सदमे से कहीं वो खुद भी ना मर जाए। मेरी ही सलाह से राका को यहाँ वादी में फिकवा दिया गया था और उसके बदले मेरे भतीजे भूरू गडरिये की लड़की महल में पहुंचा दी गई थी। मगर अपनी दौलत और ताकत के नशे में खोए हुए मगरूर जोजिला ने गडरिये की लड़की कैसे कबूल कर ली? यह राज मेरे और मारूला के अलावा और कोई नहीं जानता। जोजिला और मालकिन अभी तक उस लड़की को ही अपनी औलाद समझते हैं और सदा उसे ही समझते रहेंगे। उन्हें कभी मालूम न होगा कि राका उनका बेटा है, कभी मालूम न होगा। मालूम न होगा तो एक दिन बाप के हाथ से बेटा मारा जाएगा। राका उस लड़की की मोहब्बत में गिरफ्तार है और ये बात जोजिला से छुपी नहीं। तू पागल है, बुढ़ापे ने ताकत के साथ साथ तेरी अकल भी छीन ली है। मैंने राका को मोहब्बत की नहीं, नफरत की तालीम दी है। मगर उसके बदन पर जो कोड़ों के निशान हैं, उन्हें सूंघने से पता चल जाएगा कि उनमें से सिमसी की मोहब्बत की बू आती है। बस और कुछ न कहना, और कुछ न कहना। ये चाहता है कि तेरा गला ही क्यों न घोट दूं, ताकि तेरी आवाज मेरे सिवा और किसी के कानों तक न पहुंच सके। मगर नहीं, तू नहीं कह सकती, किसी से कह नहीं सकती, और अगर कहेगी तो जोजिला तुझे जिंदा जमीन में गड़वा देगा, क्योंकि तूने उसके ऊंचे घर में अपने एक नीच रिश्तेदार की लड़की पहुंचा दी है। जा, जा, चली जा यहां से, और फिर कभी इधर ना आना। जा, जा। कौन? मैं हूं।
राका, जवाब देते वक्त आज पहली बार तुमने मुझे बाबा नहीं कहा। ओ, आज पहली बार मुझसे भूल हो गई। बाबा, कुछ कहोगे नहीं बाबा? उस काम का क्या हुआ राका, जिसके लिए मैंने तुम्हारे माथे पर लहू का टीका लगाकर भेजा था? वादी का वो कौन सा कोना है जो इस वक्त दूजला के खून से भीगा हुआ है? मैं खून नहीं कर सका बाबा। क्यों, क्यों नहीं कर सके? मौका नहीं मिला और अब कभी शायद मिलेगा। सिंगोबा, तुझे तो मौका मिल सकता है। उठ और अपने इंतकाम की आग को ठंडा कर ले। क्यों रोक लिया बाबा? दुश्मन से बदला लेने का इससे अच्छा मौका और क्या मिलेगा? ओह, तो दाई माँ ने जो कुछ कहा तुम भी सुन चुके हो और अब तुम्हें मालूम है कि तुम मेरे नहीं जोजीला के बेटे हो। अब मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा राका, तुम अपने घर जा सकते हो। वो घर जहां से मैं मुर्दा समझकर फेंकवा दिया गया था? नहीं बाबा, मैं तुम्हारी औलाद बनकर जिया हूं और तुम्हारी ही औलाद बनकर मरूंगा। और दुनिया को कभी मालूम ना होगा कि मैं तुम्हारी औलाद नहीं था। मगर दुश्मन का खून मेरा बेटा नहीं हो सकता। तुझे मालूम होना चाहिए कि मैं सिर्फ अपना बदला लेने के लिए जी रहा था। तो फिर रुक क्यों गए? उठाओ खांडा और कर दो मेरे टुकड़े। एक ही वार में तुम्हारा इंतकाम और मेरा फर्ज दोनों पूरे हो जाएंगे। चला जा राका, चला जा, इससे पहले कि मैं तेरे खून से अपने हाथ रंग लूं। यहां से भाग जा, भाग जा बेटा। बेटा कहकर बेटे के लफ्ज की मिठास क्यों छीनते हो बाबा? ये तो वो रिश्ता है जो मरने के बाद भी जिंदा रहता है और तुम तो इसे एक ही ठोकर में तोड़ देना चाहते हो। टूटे हुए दिल के तारों को और न छेड़ो राका, इनमें अब आवाज नहीं है, इनमें आवाज नहीं है। मैं हुक्म देता हूं, यहां से चला जा, चले जाओ। अगर ये तुम्हारा हुक्म है तो मैं चला जाता हूं। मैं अपने दिल में ये तसल्ली तो लेकर जाऊंगा कि जिंदगी भर में अपने बाप की एक खुशी तो पूरी कर सका। चले जाओ बाबा। मेरे बच्चे, मेरे बच्चे। हाँ?
उलूरा, मैं कई दिन से देख रहा हूँ कि तुम कुछ खोए खोए से रहते हो। आज भी तुम कुछ कहना चाहते थे लेकिन कहते कहते रुक गए। जी हाँ, बस मैं कहो कहो, घबराने क्या बात। जी मैं सोच रहा था कि अब हमारी शादी तुमने हमारे मुंह से बात छीन ली। अच्छा, मारोला को खबर कर दो, आती चांद रात तुम्हारी शादी होगी, लेकिन बारात जरा धूमधाम से आए। मालिक, एक अजनबी आदमी आपसे मिलने आया है। अजनबी कौन है? कौन हो तुम? पहचानो, पहचानो मैं कौन हूं। आज से 32 बरस पहले तुम सिंगोबा क्या करने आया तुम यहां? तुम्हारी मेरे सामने आने की जुर्रत कैसे हुई? आज कुछ लेने नहीं, देने आया हूं। भूखे और भिखारी भी किसी को दे सकते हैं? दे सकते हैं। जुजीला, आज मैं अपनी जिंदगी का सहारा, अपना राका तुम्हें देने आया हूं, सिर्फ इसलिए कि वो तुम्हारी बेटी से मोहब्बत करता है। सिंगोबा, चोट खाया हुआ शेर तो अपने पालने वाले को भी नहीं छोड़ता। तू तो मेरा दुश्मन है। दुश्मन तो जरूर हूं, लेकिन आज सब कुछ भूल कर तेरे दरवाजे पर आया हूं ताकि दो मासूम दिलों की मोहब्बत परवान चढ़ सके। बेवकूफ, सिमसी और राका का मिलाप तो क्या, अगर मेरी परछाई भी तेरी वादी पे गिरेगी तो मैं अपनी गर्दन अपने हाथ उतार कर रख दूंगा। जुजिला, झूठी शान और घमंड के नशे में उस कहानी को मत दोहराओ जो तुम्हारे नाम पर धब्बा बनकर रह गई है। उस अंजाम को फिर से मत ललकारो जो तुम्हारी बहन का हो चुका है। अपनी मनुष्य का फिक्र मत दिखाना। मैं चाहता था आज तुझे दुनिया भर की खुशियां दे जाऊं, अब सोचता हूं वापस क्यों न ले जाऊं। ले जा, और जब राका मेरी गोली का शिकार हो तो इन्हीं खुशियों से अपने आंसू पोंछ लेना। मेरे आंसू तो पोंछ जाएंगे मगर तेरी आंखों से चश्मे फूट पड़ेंगे। तू रोएगा और मरते दम तक रोता रहेगा क्योंकि राका तेरा ही। अपने मेरे बेताब निगाहें ले जा उस बस्ती को, जाने वाले लेता जा पैगाम मेरा, लेता जा पैगाम मेरा, दिल के मालिक से कह देना हसरत भरा सलाम मेरा, लेता जा पैगाम मेरा उस बस्ती को जाने वाले। मैं
बनकर कितनी खूबसूरत दिखाई देती हो, मालूम होता है चांद जमीन पर उतर आया है। फर्क सिर्फ इतना है कि चांद पे दाग है और तुम्हारे हुस्न पे कोई धब्बा नहीं। एक तुम ही बाकी रह गए थे मेरे जख्मों पे नमक छिड़कने के लिए। अच्छा हुआ तुम भी आ गए। बुरा मान गई? तुम्हें तो खुश होना चाहिए सिमसी, जो कसमें तुमने जमीन चांद और सितारों को गवाह बनाकर खाई थी आज तुमने पूरा कर लिया। मैं आऊंगी राका, मैं जरूर आऊंगी। मैं तुम्हारी जान की कसम खाकर कहती हूँ कि मैं जरूर आऊंगी और इस चांद के साए में हमेशा के लिए तुम्हारी हो जाऊंगी। राका, तुम मेरे लिए फूलों का हार लेकर आना और मैं तुम्हारे लिए दिल की धड़कने। कहाँ है तुम्हारा वो दिल? कहाँ है तुम्हारी वो धड़कने? अब भी वही दिल है राका, वही दिल, आज भी वही धड़कने, लेकिन मैं मजबूर हूँ। मैं उस भयानक कहानी को जो आज से 30 बरस पहले इस महल की दीवारों पर किसी के खून से लिखी गई थी दोहराना नहीं चाहती। मैं मजबूर हूं रखा, मैं मजबूर हूं। मजबूरी के पर्दे में अपनी बेवफाइयों को मत छुपा। साफ साफ क्यों नहीं कहती कि तुझे महलों की जिंदगी, ये क्यों नहीं कि एक सरदार की लड़की एक सरदार से ही शादी करना चाहती है? ऐसा ना कहो रखा, मेरी मोहब्बत की तौहीन ना करो। मैं तुम्हारी हूं, अब भी तुम्हारी हूं। अगर तुम मेरी तो चलो मेरे साथ। नहीं राका, वो लोग तुम्हें मार डालेंगे। इससे पहले कि तुम मुझे कहीं भी ले जाओ वो लोग तुम्हें मार डालेंगे। तुम यहाँ से चले जाओ राका, यहाँ से भाग जाओ। तुम आती क्यों नहीं? ये सब लोग तुम्हारे इंतजार कर रहे हैं। तुम यहाँ से चले जाओ राका, यहाँ से भाग जाओ, वो लोग तुम्हें मार डालेंगे। तुम यहाँ से भाग जाओ राका। मैं यहाँ से भागने नहीं आया हूँ, मैं तुम्हें साथ ले जाने के लिए आया हूँ। राका देखो तो सही, सिमसी क्या कर रही है? क्यों नहीं राका, वो लोग यहाँ आ रहे। तुम यहाँ से चले जाओ राका, तुम यहाँ से चले जाओ, मैं आऊंगी। ये तुम्हारा एतबार नहीं। मैं आऊंगी राका, मैं आऊंगी। तुम सच्चाई की देवी के पास मेरा इंतजार करना, मैं जरूर आऊंगी। तुम अब चले जाओ राका, चले जाओ, तुम्हें मेरी जान की कसम, तुम यहाँ से चले जाओ। भाई साल और 6 महीने की मोहब्बत के बारे फाड़ दिए, मारो, जरूर मारो, लेकिन भाइयों ये तो बता दो, मेरे में बताओ क्यों मारो? इसलिए कि तुमने लंगड़ू को मार डाला है। लंगड़ू मर गया? क्या सचमुच मर गया? तो मारो, हाथों से नहीं जूतों से मारो। तुम्हें मेरी जवानी की कसम, एक एक जूता मेरे सिर पर मारो, मारो, जरूर मारो। आहा, लंगड़ू मर गया। मुझे बहुत तंग करता था, बहुत तंग था। तो लंगड़ू मर गया? मरा नहीं तो कहां गया, आज 2 दिन से उसका पता नहीं। सचमुच मर गया? हाँ हाँ, तूने उसे दवा देके मार डाला। ऐसा? ये क्या हवा गू? जो ऊपर वाले की मर्जी। अबे वो क्या खड़ा है? कहाँ है लंगड़ू? हमें तो कोई दिखाई नहीं देता। अरे ढोंग करता है, बनता है, मारो इसे। अरे लंगड़ू मरा नहीं, लंगड़ू मरा नहीं। अरे लंगड़ू जिंदा है। अरे मैं झूठ बोलूं तो गवारा ही मर जाऊं। अरे ये क्या करते हो? अच आ गए, आओ आओ। अबे देख लो ये तुम्हारा चचा खड़ा है। क्यों भाई,
जब मैं पिट रहा था तो पहाड़ी के पीछे छिप गया है, अब हाथ पकड़ते ही आम रहा है। जो ऊपर वाले की मैं किधर से जाऊं, चारों तरफ तो लोग फैले हुए हैं। क्या बताऊं बीबी, मालिक भी तो सामने ही खड़े हैं। सिंह को तैयार करो, अब ज्यादा वक्त नहीं है। कु, इससे पहले कि ये लोग मुझे कसाई के हवाले कर दें, मुझे यहाँ से निकाल दें, नहीं तो मैं अपनी जान दे दूंगी। बीबी तुम घबराओ नहीं, बीबी मैं तुम्हारे लिए अपनी जान पर खेल जाऊंगी। मैं नाच गाकर लोगों को रास्ते पर से हटाती हूँ, तुम चुपके से निकल जाना। वो देखो रानी माँ आ गई। क्या कर रही हूँ माँ, लोभन दे रही हूँ बेटा। ने बचपन में मेरे जख्मों पर दवा लगाई थी, मगर आज मैं दवा नहीं तेरे जख्मों पर नमक छिड़कने आई हूँ। मैं अपनी सिमसी तुझसे वापस लेने आई हूँ। मगर सिमसी तो मेरी रूह है। राका, तुम्हारी सब कोशिशें बेकार हैं। तुम एक दूसरे के कभी नहीं हो सकते। तुम जहां भी भाग कर जाओगे जोजिला तुम्हें मार डालेगा। मैं मौत से नहीं डरता। तुम मौत से नहीं डरता, मगर मेरी भरी हुई गोद क्यों उजाड़ता है तू नहीं जानता। मैंने जिंदगी भर की दुआओं के बाद एक खिलौना पाया है, उसे मुझसे मत छीन। मेरी सिमसी मुझे वापस दे दे राका, मेरी सिमसी मुझे वापस दे दे। सिमसी को मांगने से पहले आपने मेरी जान क्यों ना मांग ली? ऐसा ना कहो राका, एक माँ के आंसुओं की तरफ देखो।
अगर तुम्हारी माँ होती तो तुम्हें बताती कि औलाद का गम कितना भयानक होता है। मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, तुम्हारे कदमों में सर रखती हूँ। मेरी छोरी भर दे बेटा। बेटा, मुझे बेटा कहा? चुप क्यों हो गए? बोलो राका, बोलो। जब तक तुम हाँ न कहोगे मैं ये कदम नहीं छोड़ूंगी। तुम्हारी सिमसी तुम्हारे पास ही रहेगी, मैं वादा करता हूँ कि अब उससे कभी नहीं मिलूंगा। खुश रहो, आज तूने मेरी दुनिया बर्बाद होने से बचा ली। जी चाहता है अपनी जिंदगी के बाकी दिन तुझ पर निछावर कर दी। जिंदगी तो नहीं, हाँ अगर देना है तो एक चीज जरूर चाहता हूँ। बोल बोल, तुझे क्या चाहिए? मैं आसमान से चांद और सितारे भी छीन कर तुझे दूंगी। तो बस एक बार बेटा कहकर मुझे अपनी छाती से लगा लो। मैंने माँ का प्यार कभी नहीं देखा। बेटा, राका, राका मैं आ गई, देखो मैं आ गई। जिस तरह एक नदी पहाड़ों और चट्टानों से टकराती हुई अपने प्रीतम सागर के पास पहुंच जाती है, उसी तरह मैं भी सबको धोखा देकर देखो मैं तुम्हारे पास पहुंच गई। उसी, मैं जिंदगी के इस सफर में तुम्हारा साथ नहीं दे सकता। ये मजाक का वक्त नहीं राका, आओ अब चलें। इससे पहले कि किसी को पता चल जाए हम इन पहाड़ियों के पार हो जाएं। आओ राका, देर ना करो। तुम्हें अपने घर वापस जाना होगा सिमसी। राका, इस तरह मोहब्बत का इजहार ना करो कि मेरा दिल घबरा जाए। मैं तुम्हें नहीं तुम्हारी जागीर को चाहता था। मेरा अरमान था कि तुम्हें अपनाकर तुम्हारे बाप की इन वादियों पर हुकूमत करूं। ये लफ्ज तुम्हारे मुंह से निकल रहे नहीं, मेरे कानों को एतबार नहीं आता। एतबार नहीं आता तो फिर सुन लो, मुझे तुमसे मोहब्बत नहीं नफरत है। तो तुमने मुझे बुलाया क्यों? मैंने तुम्हें नहीं बुलाया। अपने आप को धोखा मत दो राका, तुम्हारी बहकी बातें और परेशान नजरें कह रही हैं कि तुम्हें अभी मुझसे मोहब्बत है, मगर तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। साफ साफ क्यों नहीं कहते क्या बात है? बोलो राका, बोलो राका। मैं इससे ज्यादा और कुछ नहीं कह सकता, तुम्हें यहां से वापस जाना होगा। मगर एक लड़की जब अपने माँ बाप के घर से भाग निकलती है तो उसकी वापसी के रास्ते हमेशा के लिए बंद हो जाते हैं, तुम ये भी तो जानते हो। मैं वो रास्ते फिर से खुलवा दूंगा, आओ मेरे साथ। नहीं राका, नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी, मैं इस घर से कभी नहीं जाऊंगी। अगर तुम नहीं जाओगी तो फिर मैं चला जाऊंगा और फिर मेरी सूरत तुम कभी नहीं देख सकोगी। राका, नहीं राका, नहीं, मुझे जिंदगी के दोराहे पे अकेला छोड़कर मत जाओ। देखते नहीं मैं अपने माँ बाप की इज्जत पर कीचड़ उछाल कर आई हूँ, दुनिया की हर खुशी पर लात मार कर आई हूँ। मैं तुम्हारे बगैर मर सकती हूँ राका, तुम्हारे बगैर जी नहीं सकती राका। मेरे घेवनहार क्यों मोहे छोड़ चले मजधार। झोली में क्यों भर दिए
अभी तक कपड़े भी नहीं बदले। देख तो सही, दुल्हन का चांद सा मुखड़ा देखने के लिए सब लोग तेरा इंतजार कर रहे हैं। इस चांद से मुखड़े पर अब कालक मल दो रानी माँ, ताकि गुनाहों के धब्बे इसमें छिप जाएं। आओ बाबा, चलो सब लोग। ये क्या करते हो मारोला? आई हुई बारात को वापस ले जाना चाहते हो? सोचो तो सही, मैं दुनिया को कैसे मुंह दिखाऊंगा? मेरे दोस्त, ये मेरी इज्जत का सवाल है। दोस्ती के पर्दे में किसी शरीफ की पीठ पर छुरी न मारो। क्या तुम चाहते हो कि हम एक बदमाश और आवारा लड़की से शादी करके हमेशा अपने कबीले में गर्दन झुकाए घूमते रहे? क्या तुम चाहते हो मैं उस लड़की को अपना लूं जो शादी की रात घर से भाग करके दूसरे का पहलू गर्म कर रही थी? उल्लू राव, उल्लू तमीज, बुजुर्गों पर हाथ नहीं उठाया करते तो बुजुर्ग भी बच्चों की जबान नहीं खुलवाया करते। अगर इनकी इज्जत तो हमारी भी इज्जत। मैं फिर कहता हूं कि ये लड़की नापाक पर शादी के काबिल नहीं। ऐसा मत कहो उल्लू राव, ऐसा मत कहो। मेरी बच्ची ने कोई पाप नहीं किया। पाप नहीं किया ये तुम कहती हो, मैं नहीं कहता, दुनिया नहीं कहती। हमारी जबान बंद करने के लिए तुम्हारे पास क्या सबूत? सबूत मिल सकता है। वो कैसे? सच्चाई की देवी अगर झूठ और सच का फैसला कर सकती है तो इस बात का भी फैसला कर सकती है कि ये लड़की पापी है या नहीं। अगर ये बेगुनाह है तो मीनार पर चढ़कर देवी के गले में फूल पहना देगी, और अगर पापी है तो आग में जलकर खाक हो जाएगी। नहीं नहीं, मेरी बच्ची उस मीनार पर नहीं चढ़ेगी, उस मीनार पर नहीं चढ़ेगी। इसलिए कि झूठ और सच का भेद खुल जाएगा? इसलिए नहीं, बल्कि इसलिए कि वो सच्चाई की देवी नहीं, मौत की देवी है। जिस किसी ने उस तक पहुंचने की कोशिश की वो सबको खा गई। तुम देवी की तौहीन कर रही हो रानी माँ। जो रिवाज हजारों बरस से चला आ रहा है तुम उसे झुठलाना चाहती हो? हाँ, तुम्हारा रिवाज झूठा है, तुम्हारी कसौटी खोटी है। मैं तुम्हीं से पूछती हूँ लामाबा, क्या आज तक कोई से इन भेड़ियों को मैं तेरी जिंदगी से नहीं खेलने दूंगी? ये मेरी जिंदगी का सवाल नहीं है माँ, ये एक कुमारी लड़की की किस्मत का सवाल है। मुझे सजा दो। माने पद्मा हूँ, ओम पद्मा हूँ। जिंदगी के साथ मौत है, मौत के साथ जिंदगी है। दुआ कर अगर तू गिर कर मर जाए तो देवी तेरी रूह को चैन दे, और अगर तू ऊपर तक पहुंच गई तो देवताओं का साया तुझ पर है। दुनिया की जो चीज तू चाहेगी तुझे मिलेगी। अपनी मुराद जाहिर कर, तू क्या चाहती है? मेरी मुराद देवी अच्छी तरह जानती। माने पद्मा हूँ, thank you.
سمسی کچھ مانگ لے دیوی تجھ سے خوش ہے دنیا کی جو چیز تو مانگے گی تجھے ملے گی जाए मेरी बड़ी
आगे मत बढ़ना, आगे मत बढ़ना। उसे रखो वो मर जाएगी, उसे रखो वो मर जाएगी। रखे अब इसे कोई हाथ मत लगाना, इसे वापस ला, इसे वापस ला। उसे ले जाने दो, उसे ले जाने दो। सिंच उसी की है, सिंच उसी की है। राका! मार और मार, लेकिन मारने से पहले एक गोली अपने सीने में भी मार ले, ताकि तू ये सुनने के लिए जिंदा न रहे कि तूने अपनी बहन के साथ साथ अपने बेटे के खून से भी हाथ रंग लिए। बेटा? हाँ, कम्बख्त, जिस राका को मैंने अपनी छाती से लगाकर पाला था वो मेरा नहीं तेरा बेटा है। पूछ, इस मारुला से पूछ, क्या उसने राका से पैदा होते ही उसे मुर्दा समझकर वाद भी नहीं फिंका दिया था? क्या उसकी छाती का वो नीला निशान इस बात का सबूत नहीं कि राका तेरी औलाद है? पूछ, इसे पूछ। मेरा बेटा मुझे दो, मेरा राका मैं तुमसे दूंगी, मुझे लाके दो, मुझे लाके दो। ओ मितवा, देखो वो लोग फिर आ रहे हैं मुझे तुमसे जुदा करने के लिए। चलो यहाँ से भाग चले। रखा फेरो। बाबा, देखती क्या हो रानी माँ, अब तो कुदरत ने तुम्हें एक नहीं दो दो बच्चे दिए हैं, लगा लो इन्हें सीने से। माँ, माँ मेरे बच्चों। क्या तुम भी ले चले बैठी जाओ परवाने की मनी। तेरे साथ चल रहे हैं। Thank you.
जल्दी से घर पहुंचाओ और इस पहाड़ी का कोना कोना घेर लो, ये बदमाश यहाँ से बच कर जाने पाए। बड़ी जालिम चीज है, जब मैं इश्क किया करता था तो मेरी औरत 5 जूते मारा करती थी और आज तक मारती है। चल हटा दे, मुझे बैठने दे। अरे तो बैठना कितनी जगह पड़ी है, तू है तेरे जन्म से अबे औरतों से मार खाता है। जब मैं इश्क करता था तू क्यों मारा मुझे? तुझे क्यों मारा? तू क्यों मारा? तू क्यों मारा? तू बात बात में क्यों आता है? तू क्यों मारा? तू क्यों मारा? राका तुम आ गए, मैं जानती थी तुम आओगे, तुम जरूर आओगे। राका मगर तुम यहाँ क्यों आए जानते नहीं? तुम्हारी जान यहाँ खतरे में। चाहने वाले मौत से नहीं डरा करते। राका तुम्हें मेरी मोहब्बत का, तुम यहाँ से चले जाओ। तुम चले जाओ राका, न जाने मेरा दिल क्यों घबरा रहा है, जैसे हमें कोई देख रहा हो। तुम जाओ ना राका। तुम्हें याद है समसी, बचपन में एक राका बार... राका तुम जाओ ना, देखो मेरी बाई आंख फड़क रही है। तुम्हें मेरी जान की कसम, तुम चले जाओ। कसम देने की कोई जरूरत नहीं समसी, अगर ये तुम्हारा हुक्म है तो मैं चला जाता हूँ। अच्छा कल फिर मिलेंगे। नहीं नहीं राका, अब तुम ना आना, मैं खुद आऊंगी। मैं वादा करती हूँ मैं जरूर आऊंगी। जाओ। अच्छा ठहरो, अब जाओ। कौन है तू? ये वही वादी वाला बदमाश जो एक दफा बचपन में भी यहाँ आया था। तू क्या करने आया तू यहाँ? इसे पैर से बांध कर से चमेल उतार दो। छोड़ दो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, बांध दो उसको। क्यों आया था? कौन? उसे मत मारो, उसे मत मारो। क्यों मारते हो? क्यों मारते हो किसी के बच्चे को? इसे मत मारो, क्या किसी की जान लेकर छोड़ा देते तो खा? तुम हट जाओ। लोहे की सलाखें गरम करके उसकी आंखें फोड़ डालो ताकि ये आइंदा घर का रास्ता रह सके। नहीं मेरे मालिक, इतने जालिम ना बनो, बाप का दिल पैदा करो। तुम्हारे भी तो औलाद है, अगर तुम्हारी बच्ची को कोई इस तरह मारे तो तुम पर क्या गुजरे? इसे माफ कर दो, इसे माफ कर दो। माइलो इसके हाथ खोलो,
पता है ना क्या हुआ? कुछ नहीं, कुछ नहीं। राको, 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 राको। तुम कौन हो? कौन हो तुम? भूल गए? बहुत बरसों के बाद देखा है ना? मैं हूं दाई माँ। दाई माँ, यहाँ क्या करने आई है तू? घबराने की कोई बात नहीं, मैं तुमसे जबरदस्ती छीनने नहीं आई, सिर्फ मालूम करने आई हूँ कि ये लड़का जो तुम्हें अपना बाप कहता है सचमुच तुम्हारा कौन है। तू कौन होती है हमसे इस तरह का सवाल करने वाली? तुझे मालूम होना चाहिए कि तुम्हारी तरफ का कोई आदमी मेरी हद में नहीं आ सकता। मुझे मालूम है, इसीलिए बताने आई हूँ कि हमारे तरफ का और भी एक आदमी तुम्हारे हद में आए। सिंगोबा, तुमने 20-22 साल पहले एक तूफानी रात में राका को इसी वादी में पड़े हुए पाया है। ये सब झूठ है, बिल्कुल झूठ। तेरे पास इसका क्या सबूत है? उसकी छाती पर नीला निशान। मैं और तुम दोनों अच्छी तरह जानते हैं कि वो निशान पैदाइशी है। नहीं, तू भक्ति है। राका मेरा बेटा है, राका मेरा बेटा है। अगर मेरा नहीं तो किसका है? सुनकर घबरा न जाना, डर से कांप न उठना। राका तुम्हारा नहीं, तुम्हारे दुश्मन जोजीला का बेटा। चली जा, चली जा, इससे पहले कि मैं तेरा सर धड़ से जुदा कर दूं और तू हमेशा के लिए खामोश हो जाए। यहां से चली जा। राका जोजिला की औलाद नहीं, मेरा बेटा है, मेरा बेटा है। अब तुम्हारा ही है, मगर जब रानी मालकिन ने मरे हुए बच्चे को जन्म दिया था तो यही डर था कि उस सदमे से कहीं वो खुद भी ना मर जाए। मेरी ही सलाह से राका को यहाँ वादी में फिकवा दिया गया था और उसके बदले मेरे भतीजे भूरू गडरिये की लड़की महल में पहुंचा दी गई थी। मगर अपनी दौलत और ताकत के नशे में खोए हुए मगरूर जोजिला ने एक गडरिये की लड़की कैसे कबूल कर ली? यह राज मेरे और मारूला के अलावा और कोई नहीं जानता। जोजिला और मालकिन अभी तक उस लड़की को ही अपनी औलाद समझते हैं और सदा उसे ही समझते रहेंगे। उन्हें कभी मालूम न होगा कि राका उनका बेटा है, कभी मालूम न होगा। मालूम न होगा तो एक दिन बाप के हाथ से बेटा मारा जाएगा। राका उस लड़की की मोहब्बत में गिरफ्तार है और ये बात जोजिला से छुपी नहीं। तू पागल है, बुढ़ापे ने ताकत के साथ साथ तेरी अकल भी छीन ली है। मैंने राका को मोहब्बत की नहीं, नफरत की तालीम दी है। मगर उसके बदन पर जो कोड़ों के निशान हैं, उन्हें सूंघने से पता चल जाएगा कि उनमें से सिमसी की मोहब्बत की बू आती है। बस और कुछ न कहना, और कुछ न कहना। ये चाहता है कि तेरा गला ही क्यों न घोट दूं, ताकि तेरी आवाज मेरे सिवा और किसी के कानों तक न पहुंच सके। मगर नहीं, तू नहीं कह सकती, किसी से कह नहीं सकती, और अगर कहेगी तो जोजिला तुझे जिंदा जमीन में गड़वा देगा, क्योंकि तूने उसके ऊंचे घर में अपने एक नीच रिश्तेदार की लड़की पहुंचा दी है। जा, जा, चली जा यहां से, और फिर कभी इधर ना आना। जा, जा। कौन? मैं हूं।
राका, जवाब देते वक्त आज पहली बार तुमने मुझे बाबा नहीं कहा। ओ, आज पहली बार मुझसे भूल हो गई। बाबा, कुछ कहोगे नहीं बाबा? उस काम का क्या हुआ राका, जिसके लिए मैंने तुम्हारे माथे पर लहू का टीका लगाकर भेजा था? वादी का वो कौन सा कोना है जो इस वक्त दूजला के खून से भीगा हुआ है? मैं खून नहीं कर सका बाबा। क्यों, क्यों नहीं कर सके? मौका नहीं मिला और अब कभी शायद मिलेगा। सिंगोबा, तुझे तो मौका मिल सकता है। उठ और अपने इंतकाम की आग को ठंडा कर ले। हाथ क्यों रोक लिया बाबा? दुश्मन से बदला लेने का इससे अच्छा मौका और क्या मिलेगा? ओह, तो दाई माँ ने जो कुछ कहा तुम भी सुन चुके हो और अब तुम्हें मालूम है कि तुम मेरे नहीं जोजिला के बेटे हो। अब मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा राका, तुम अपने घर जा सकते हो। वो घर जहां से मैं मुर्दा समझकर फेंकवा दिया गया था? नहीं बाबा, मैं तुम्हारी औलाद बनकर जिया हूं और तुम्हारी ही औलाद बनकर मरूंगा। और दुनिया को कभी मालूम ना होगा कि मैं तुम्हारी औलाद नहीं था। मगर दुश्मन का खून मेरा बेटा नहीं हो सकता। तुझे मालूम होना चाहिए कि मैं सिर्फ अपना बदला लेने के लिए जी रहा था। तो फिर रुक क्यों गए? उठाओ खांडा और कर दो मेरे टुकड़े। एक ही वार में तुम्हारा इंतकाम और मेरा फर्ज दोनों पूरे हो जाएंगे। चला जा राका, चला जा, इससे पहले कि मैं तेरे खून से अपने हाथ रंग लूं। यहां से भाग जा, भाग जा बेटा। बेटा कहकर बेटे के लफ्ज की मिठास क्यों छीनते हो बाबा? ये तो वो रिश्ता है जो मरने के बाद भी जिंदा रहता है और तुम तो इसे एक ही ठोकर में तोड़ देना चाहते हो। टूटे हुए दिल के तारों को और न छेड़ो राका, इनमें अब आवाज नहीं है, इनमें आवाज नहीं है। मैं हुक्म देता हूं, यहां से चला जा, चले जाओ। अगर ये तुम्हारा हुक्म है तो मैं चला जाता हूं। मैं अपने दिल में ये तसल्ली तो लेकर जाऊंगा कि जिंदगी भर में अपने बाप की एक खुशी तो पूरी कर सका। बाबा, बाबा, मेरे बच्चे, मेरे बच्चे। हाँ?
उलूरा, मैं कई दिन से देख रहा हूँ कि तुम कुछ खोए खोए से रहते हो। आज भी तुम कुछ कहना चाहते थे लेकिन कहते कहते रुक गए। जी हाँ, बस मैं कहो कहो, घबराने क्या बात। जी मैं सोच रहा था कि अब हमारी शादी तुमने हमारे मुंह से बात छीन ली। अच्छा, मारोला को खबर कर दो, आती चांद रात तुम्हारी शादी होगी, लेकिन बारात जरा धूमधाम से आए। मालिक, एक अजनबी आदमी आपसे मिलने आया है। अजनबी कौन है? कौन हो तुम? पहचानो, पहचानो मैं कौन हूं। आज से 32 बरस पहले तुम सिंगोबा, क्या करने आया तुम यहां? तुम्हारी मेरे सामने आने की जुर्रत कैसे हुई? आज कुछ लेने नहीं, देने आया हूं। भूखे और भिखारी भी किसी को दे सकते हैं? दे सकते हैं। जुजीला, आज मैं अपनी जिंदगी का सहारा, अपना राका तुम्हें देने आया हूं, सिर्फ इसलिए कि वो तुम्हारी बेटी से मोहब्बत करता है। सिंगोबा, चोट खाया हुआ शेर तो अपने पालने वाले को भी नहीं छोड़ता। तू तो मेरा दुश्मन है। दुश्मन तो जरूर हूं, लेकिन आज सब कुछ भूल कर तेरे दरवाजे पर आया हूं ताकि दो मासूम दिलों की मोहब्बत परवान चढ़ सके। बेवकूफ, सिमसी और राका का मिलाप तो क्या, अगर मेरी परछाई भी तेरी वादी पे गिरेगी तो मैं अपनी गर्दन अपने हाथ उतार कर रख दूंगा। जुजिला, झूठी शान और घमंड के नशे में उस कहानी को मत दोहराओ जो तुम्हारे नाम पर धब्बा बनकर रह गई है। उस अंजाम को फिर से मत ललकारो जो तुम्हारी बहन का हो चुका है। अपनी मनुष्य का फिक्र मत दिखाना। मैं चाहता था आज तुझे दुनिया भर की खुशियां दे जाऊं, अब सोचता हूं वापस क्यों न ले जाऊं। ले जा, और जब राका मेरी गोली का शिकार हो तो इन्हीं खुशियों से अपने आंसू पोंछ लेना। मेरे आंसू तो पोंछ जाएंगे मगर तेरी आंखों से चश्मे फूट पड़ेंगे। तू रोएगा और मरते दम तक रोता रहेगा क्योंकि राका तेरा ही। अपने मेरे बेताब निगाहें ले जा उस बस्ती को, जाने वाले लेता जा पैगाम मेरा, लेता जा पैगाम मेरा, दिल के मालिक से कह देना हसरत भरा सलाम मेरा, लेता जा पैगाम मेरा उस बस्ती को जाने वाले। Thank you.